जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जनवरी से जून 2021 तक स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस का रहेगा। इसको हम टू पार्ट्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट चैनल पर क्रिएट कर दी गई है, आप वहां से अलग अलग टॉपिक संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ICC द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले पुरस्कार से चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ICC द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले पुरस्कार से चुना गया है। ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, ICC द्वारा ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। ICC ने पहली बार जनवरी 2021 के महीने से सर्वश्रेष्ठ मंथ और प्लेयर का अवार्ड देना स्टार्ट किया है। इसमें फरवरी महीने का पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन को मिला है, मार्च महीने का पुरस्कार भुवनेश्वर कुमार को मिला है और अप्रैल महीने का पुरस्कार बाबर आजम को मिला है। महिला वर्ग की यदि हम बात करें तो महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को जनवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ICC द्वारा दशक का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICC द्वारा दशक का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शेन वाटसन, ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारे भारतीय टीम के कप्तान ऑप्शन बी विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को पिछले दशक का सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग ने दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार भारत के विराट कोहली को दिया गया है। दशक के सर्वश्रेष्ठ ODI खिलाड़ी का पुरस्कार भी विराट कोहली को दिया गया है। आपको पता है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड MS धोनी को दिया गया है और ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को दिया गया है टेस्ट मैच में। जी हाँ दोस्तों, ODI में विराट कोहली को दिया गया है, टेस्ट में स्टीव स्मिथ को दिया गया है और T20 में ICC के द्वारा राशिद खान को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ICC मेंस T20 ऑफ द डिकेड राशिद खान को दिया गया है। तीनों चारों आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना, ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिताली राज। जी हाँ दोस्तों, मिताली राज भारतीय क्रिकेट वुमेन टीम में बहुत अहम योगदान है इनका, ये पिछले 20 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं। 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज पहले ही
भारतीय क्रिकेट तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहली बार 10,000 रन बनाए हैं। मिताली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान 35वां रन पूरा करते ही यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर चार्लेट एडवर्ड्स के नाम है। मिताली राज ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला दोहरा शतक लगाकर यह रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया जांसकर विंटर स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है खेलो इंडिया जांसकर विंटर स्पोर्ट्स एंड फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में ही यह आयोजन किया गया था। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल जिले के पद्दुम में प्रथम खेलो इंडिया जांसकर शीतकालीन खेल उत्सव का आयोजन किया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत बार एग्जाम में पहुंचे जाते हैं ये क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आएंगे अभी, आने वाले चार क्वेश्चन, इनको अच्छे से समझना है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार अपन टेनिस की जो चार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं हर वर्ष, उनको एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ष भर में चार ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनका नाम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यह है जनवरी फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है और इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन को कहाँ पर खेला जाता है, कौन से मैदान पे खेला जाता है, तो इसका नाम है हार्ड कोर्ट पर इसको खेला जाता है। दूसरा अपन बात करें फ्रेंच ओपन, तो यह है मई अंत या जून की शुरुआत में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तीसरा होता है विंबलडन ओपन, यह है जून जुलाई में घास पर खेला जाता है। और लास्ट अपना होता है अमेरिकी ओपन, इसे अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है चारों में कि कौन सा किस पर खेला जाता है, उसके बाद में इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पुरुष में एकल खिताब किसने जीता, महिला वर्ग में एकल खिताब किसने जीता, पुरुष में डबल पुरुष में किसने जीता और महिला में डबल में किसने जीता। तो इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं हमेशा और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2021 की यदि हम बात करें तो वर्ष 2021 के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन मेलबर्न में 8 से 21 फरवरी को हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का यह 109वां आयोजन था। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब 21 फरवरी को सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित कर पुरुषों का खिताब अपने नाम किया है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में उप विजेता कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल में जी हाँ दोस्तों, पुरुष युगल में इवान डोडिक व फिलिप पोलासेक ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पहली बार आयोजन वेयर हाउसमैन क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस तरीके से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखने का कोशिश करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए गर्बिन मुगुरुजा, ऑप्शन बी जेनिफर ब्रेडी, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी मार्केट बंसोबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाओमी ओसाका। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। 20 फरवरी 2021 को महिलाओं के एकल खिताब के लिए जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को हराया है। 23 वर्षीय नाओमी ओसाका ग्रैंड स्लैम टेनिस में यह चौथा खिताब है। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल में, जी हाँ दोस्तों, महिला युगल में एलिसे मर्टेंस व एरना सवालिका ने खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन, उसकी हम बात करें तो फ्रेंच ओपन 2021 जो हाल ही में मई लास्ट और जून के प्रारंभ में हुआ था, तो फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले एग्जाम में 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी रोजर फेडरर, ऑप्शन सी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी स्टेफानोस सित्सिपास। तो दोस्तों इसका उत्तर भी होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच ने। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 भी नोवाक जोकोविच ने जीता है और फ्रेंच ओपन 2021 भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। वर्ष 2021 दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन का आयोजन 30 मई से 13 जून 2021 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस के रोलेंड गैरोस स्टेडियम में हुआ। फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 19वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, टोटल अभी तक नोवाक जोकोविच ने 19 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं। इनमें लगभग इनके खिताबों में 9 ऑस्ट्रेलिया ओपन है, 2 फ्रेंच ओपन है, 5 विंबलडन ओपन है तथा 3 अमेरिकी ओपन है। फ्रेंच ओपन पुरुष युगल में गोलुबेव व बुब्लिक ने खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा, ऑप्शन सी पावलिचेनकोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2021 जो अभी जून महीने में कंप्लीट हुआ है, इसका जो है महिला एकल में खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने अपने नाम किया है। 25 वर्षीय क्रेजिकोवा ने अपना यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 2000 में मेरी पीरियस के बाद क्ले कोर्ट इवेंट में दोनों चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मूला वन कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है फॉर्मूला वन कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन डी डेनियल रिकार्डो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। जी हाँ दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला वन कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। लुइस हैमिल्टन MBE फॉर्मूला वन रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैक्लेरेन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला वन के आज तक के सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप भी हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एस्ले बाल्टी, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। जी हाँ दोस्तों, नाओमी ओसाका ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी अश्वनी पोनप्पा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु। जी हाँ दोस्तों, पीवी सिंधु को महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ऑफ बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर घोषित किया गया है। पीवी सिंधु एक विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ने नवंबर 2016 में चीन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है। इन्हें पद्मश्री राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2016 में सम्मानित भी किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय पहलवान को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस भारतीय पहलवान को WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है जीत राणा, ऑप्शन बी द ग्रेट खली, ऑप्शन सी कविता देवी, ऑप्शन डी जिंदगी महल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द ग्रेट खली। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट खली को जो कि भारतीय पहलवान है, इनको WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल कर लिया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन है। ऑप्शन ए लियोन मेंडोका, ऑप्शन बी आर्यन चोपड़ा, ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण, ऑप्शन डी पी इनियन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विश्वनाथ आनंद देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। चले फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5। जी हाँ दोस्तों, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। दोस्तों, 2021 की सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 18 अप्रैल 2021 को अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया था। यह आयोजन ऐसे कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। भारत ने 14 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि इस बार दिल्ली में हुआ था, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में मेडल टैली को किस देश ने टॉप किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि दिल्ली में हुआ था 2021 में मेडल टैली को किस देश ने टॉप किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप
2021 में टॉप किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इनको पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।